प्रिंजिम, अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। स्टैंडर्ड 6 में जो होल लेसन होल नंबर्स का जो लेसन है उसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर स्टार्ट किया है, जिसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर एडिशन की हमने प्रॉपर्टी इसके पहले के वीडियो में देखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो पहले देखते हैं। जैसे ए बी और सी कोई भी 3 होल नंबर है, तो ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी है, मतलब दो नंबर की सब्ट्रैक्शन को अगर थर्ड नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, सो यू गेट ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। ओके, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर के नंबर से आप ब्रैकेट के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करो और फिर उनकी सब्ट्रैक्शन करो, बोथ आंसर्स विल बी सेम। एग्जांपल है 9 × 7 − 3, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे एज यूजुअल मेथड से। तो जो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सो 9 × 7 − 3 = 4, वी गेट 9 × 4 = 36। अब प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो 9 × 7 − 3 = ब्रैकेट के बाहर के नंबर से ब्रैकेट के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 9 × 7 ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस है तो माइनस दिया, अब 9 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9 × 3 दैट इज इक्वल टू, अब 9 × 7 = 63 माइनस 9 × 3 = 27, अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करो, सो यू गेट 36। ओके, अब ये जो पहले का आंसर है और नेक्स्ट आंसर है दोनों सेम आए, देयरफॉर वी कैन से दैट 9 × 7 − 3 = 9 × 7 − 9 × 3, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी है। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 6001 × 172 − 6001 × 72, इन दोनों की हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर इसकी करते हैं, फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं, आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करके करना है, तो वो कैसे, दोनों में फिर से देखो कॉमन है 6001, इसको हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, अब यहाँ पे बच गया 172 माइनस यहाँ पे रह गया 72, दैट इज इक्वल टू 6001 एज इट इज मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करो, 172 − 72 होता है 100, और ये मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान हो गई है, इसके सामने दो जीरो लगा दो, सो दिस इज द आंसर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप एग्जाम्पल्स इजिली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ मल्टीप्लीकेशन के इस तरह से प्रॉब्लम आए तो उसमें कैसे करना है, जैसे हम थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें आपको 7909 को मल्टीप्लाई करना है 991 से। अब ये मल्टीप्लीकेशन उतनी आसान नहीं है, इसको आपको साइड में करना पड़ेंगे, इसके 5-6 स्टेप आएंगे। तो प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसको 2 या 3 स्टेप में कर सकते हो। कैसे, तो सबसे पहले 7909 लो मल्टीप्लाई, अब ये जो नंबर है 991, इसको ये बिलो 100 के बिलो 1000 नंबर है, तो इसको बी माइनस सी के फॉर्म में लिखना है, मतलब एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1000 में से हम 991 को सब्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे नंबर माइनस करेंगे जिसका आंसर 991 होता है। तो 1000 होने के लिए यहाँ पे 9 कम है, सो वी कैन राइट इट एज 1000 − 9, हम 991 को इस तरह से लिख सकते हैं। आप 100 की बिलो की नंबर है, जैसे 97 है, तो 97 को आप 100 − 3 लिखना, ठीक है, या 1000 की बिलो की इस तरह से नंबर है तो इसको इस तरह से लिखना है। आगे देखते हैं, इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट के बाहर से हर ब्रैकेट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7909 × 1000, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन दिया, फिर 7909 × 9 करेंगे। अब ये मल्टीप्लीकेशन फिर आसान है, 7909 के आगे 30 लगा दो माइनस, अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 × 9 = 81 + 1 कैरी 8, 9 × 0 = 0, 0 + 8 = 8, ओके, फिर 9 × 9 = 81 + 1 कैरी 8, और 9 × 7 = 63, 63 + 8 होता है 71, सो दिस इज द आंसर। अब आपको इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है, हम सब्ट्रैक्शन साइड में करेंगे, 7909 = 0,
इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले इसको लिखेंगे 1 8 1 1 7, 0 माइनस 1 नहीं होता, तो यहाँ से कैरी किया, यहाँ पे रह गया 8, यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 9, यहाँ हो गया 10, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 1 8 और 8 माइनस 1 7, अब यहाँ 0 माइनस 7 नहीं होता, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ रह गया 8, यहाँ 10, 10 माइनस 7 3 और 8 और 7, सो योर आंसर इज 7837819, कॉमा दे दो, सो 78,37,819, दिस इज द आंसर, गॉट इट? How was our today's video? If you love our videos, then like it, share it and subscribe it. And don't forget to press the bell icon. Then you will get notifications when we upload our next video. So, I will meet in my next video. Tab tak ke liye, take care. Bye bye.